नमस्कार प्रणाम, मैं हूं रंजीत कुमार यादव और आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी पक्षचोदी के। तो दोस्तों, आज से शुरू होने जा रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज का वनडे मुकाबला, जो कि 7 बजे से शुरू होने जा रहा है। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ड्रीम इलेवन में कैसे आप विन कर सकते हैं। तो आज मैं उसी थ्योरी को फिर से आप लोगों को सजग कराने के लिए और फिर से आगाह कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तीन श्रृंखला है। तीन मतलब तीन वनडे मैच खेलेगी और 5 T20 मुकाबला खेलेगी वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम। तो आज पहला वनडे मैच है और पहले वनडे मैच में दोस्तों एक थ्योरी से आप मैच लगाएंगे। या तो आप 5 बॉलर ले लीजिए, 5 बैट्समैन के साथ उतरिए, 4 ऑलराउंडर के साथ उतरिए और जिस हिसाब से आज की टीम में आप उतरेंगे उसी हिसाब से अगली टीम में भी उतरेंगे। और जो कैप्टन वाइस कैप्टन इस टीम में रहेगा सेम वही वाइस कैप्टन और कैप्टन अगले मैच में भी रहेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आज दूसरा बना दिए कल दूसरा बना दिए और पिच पर ध्यान दिए, बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच है, तो इस हिसाब से अगर आप करते रहते हैं तो बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हालांकि आज बैटिंग पिच नहीं है, बॉलिंग पिच है, जो रनों का एवरेज है वो 210 के आसपास है। पेस बॉलरों को ज्यादा मदद मिलेगी, स्पिनरों को थोड़ी कम मदद मिलेगी, लेकिन उस पे क्या है कि पिच पे रन बने हैं। इससे पहले भारतीय टीम का रिकॉर्ड वहां पे बढ़िया बैकिंग टर्म में नहीं है, लेकिन बाकी टीमों ने 300-300 से ऊपर रन मारे हैं, तो कोई ठीक नहीं है कि कब किसका प्रदर्शन बेहतर हो जाए। तो आप एक रूल चुनिए, जैसे कि आज 5 बैट्समैन 5 बॉलर के साथ उतर रहे हैं, किसी को कैप्टन बना दिए, किसी ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बना दिए, तो ठीक उसी प्रकार की टीम अगली बार भी बनाइएगा। थोड़ा बहुत उसमें फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन 5 बॉलर अगर आज रख रहे हैं तो कल के मैच में भी, जो कि 3 वनडे मैच है, तो तीनों में सेम टू सेम टीम रखिएगा, मतलब उसमें भी 5 बॉलर के साथ ही उतरिएगा। तो आज ही डिसीजन आप लोगों को कर लेना है कि 5 बॉलर के साथ उतरना है, 5 बैट्समैन 4 बैट्समैन, मतलब किस हिसाब से आज आप उतर रहे हैं उसी हिसाब से, ताकि बार बार आपके टीम में नई टीम का रिप्लेसमेंट ना होता रहे। क्योंकि कभी देखते हैं कभी ओपनर फेल मार जाते हैं, कभी एक ओपनर आउट हो जाता है, एक खेलता रहता है, तो आपका सिलेक्शन जिस दिन बेहतर होगा उसी दिन आप जीत जाएंगे। और इस तरह से फेर बदल करते 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 रहेंगे तो यार मेरे को भी नर्वस करोगे और अपने भी नर्वस हो जाओगे। और आज मैं उसी थ्योरी के साथ टीम लगाने जा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को भी बता दिया, पिच के ऊपर विशेष ध्यान मत दीजिए। पिच क्या है? बॉलिंग पिच है। अगर बॉलिंग पिच को लेकर चलेंगे तो आज 5 बॉलर लेते हैं और कल अगर बैटिंग पिच आ जाती है तो इस दुविधा में मत रहेगा कि आज बैटिंग पिच है तो ज्यादा बैट्समैन लेकर के उतरे, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। तो सेम टू सेम तीनों वनडे मैच में सेम टू सेम टीम लीजिए, 5 बॉलर आज लेते हैं तो कल भी लीजिए और देखता हूं आपकी रैंकिंग कितनी बढ़िया जाती है, आप कितने बढ़िया प्रदर्शन कर पाते हैं। उसी हिसाब से ओपनर भी लीजिएगा, ओपनर पूरी तरह से ओपनर लेकर के नहीं उतरना है, किसी एक ओपनर को लेकर उतरना है, क्योंकि जब 5 बॉलर के साथ उतरेंगे तो हो सकता है कि पहले ओवर दूसरे ओवर या बहुत सीमित ओवरों में ही ओपनर जोड़ी टूट भी सकती है। तो इस हिसाब से बहुत सोच समझ करके मैंने ये थ्योरी रिजल्ट निकाला है और मेरी बात पर ध्यान दीजिए और जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये जो चैनल का नाम है देहाती मैन, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो करने के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कौन करता है, कौन करता है।